मेरा नाम रचा सिंह है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व अध्यक्ष हूँ और हम लोग इलाहाबाद से हैं। और इस समय जिस तरीके का से पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल चल रहा है, और जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई तो वो महिलाओं के सम्मान की बात करके और महिलाओं की सुरक्षा का जुमला देकर जिस तरीके से आई थी, और आज पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा कोई असुरक्षित है तो वो महिलाएँ असुरक्षित हैं। रोज़ महिलाओं के साथ रेप की घटना हो रही है, रोज़ महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटना हो रही है, और जिस तरीके से अभी 3 दिन पहले तो हद ही हो जाती है जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो एक ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी रही है, उस यूनिवर्सिटी के महिला छात्रावास के बाहर एक लड़की के साथ छेड़खानी हो जाती है और उसके साथ बुरी कदर से मोलेस्टेशन किया जाता है। और अफसोस इस बात का है कि सिर्फ यही नहीं ख़त्म होता है, मतलब छात्रा के साथ एक अराजक तत्व ने तो मोलेस्टेशन किया ही किया, लेकिन उसके बाद किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने मोलेस्टेशन किया छात्राओं का, उनके ऊपर लाठीचार्ज करके उनका शोषण फिर से किया, और उसके बाद स्वयं BHU के वाइस चांसलर ने छात्रों और छात्राओं को हॉस्टल खाली करने का अल्टीमेटम देके एक और मोलेस्टेशन किया। तो आप ये देख सकते हैं कि मोलेस्टेशन दर मोलेस्टेशन हो रहा है पीड़ित के साथ ही, और पीड़ित को कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है। पीड़ित छात्रा को कोई न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। BHU VC का आज एक बयान भी आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन लड़कियां आंदोलन कर रही हैं। तो हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि वाइस चांसलर साहब, अराजकता करने वालों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है CCTV फुटेज के ज़रिए, या फिर जो पीड़ित है उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है? तो बहुत ख़राब माहौल है, और अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना होती है और प्रधानमंत्री जी उस दिन स्वयं मौजूद होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी बहन और बेटियों के बीच में एक भी बार जाके उनकी समस्या जानने का प्रयास नहीं करते हैं। मतलब अभी BHU के अंदर काफ़ी सालों से चुनाव नहीं हुए हैं, वाइस चांसलर की मनीषा क्या है, क्यों चुनाव नहीं करा रहे हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, BHU में लंबे समय से जो है छात्र संघ के चुनाव बंद हैं, और उत्तर प्रदेश में और भी यूनिवर्सिटीज़ में छात्र संघ चुनावों को बंद करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। छात्र संघ से जो चुने हुए प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, उनको जो है सस्पेंड कर दिया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से छात्रों की एकता को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, और जिसका फ़ायदा BHU के कुलपति ने उठाया है, जहाँ पर छात्र संघ ना होने का परिणाम ये हुआ कि संघीय कुलपति जो पूरी तरीके से संघ यानी कि RSS की विचारधारा से आते हैं, और RSS की विचारधारा को ही प्रमाणित करने के लिए आज वो ये भी कहते हैं कि हम BHU में कुछ हो ना हो, हम लड़कियों को बचा पाएँ ना बचा पाएँ, हम जो है अपनी छात्राओं की सुरक्षा कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन हम राष्ट्रवाद को आँच नहीं आने देंगे। तो हम पूछना चाहते हैं कि VC साहब, ये कौन सा राष्ट्रवाद है जहाँ महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ और छात्राओं के साथ इस बुरी कदर छेड़खानी हो रही है? हमारे राष्ट्रवाद में तो भारत माता है, और भारत माता को अगर आप सम्मान नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उसकी सुरक्षा के लिए तो बात करिए, लेकिन नहीं, वो अराजकता करने वालों की सुरक्षा कर रहा है ये पूरा सरकार, चाहे वो देश की केंद्र की सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, और अराजकता करने वाले या फिर क्रिमिनल्स के अंदर से सरकार का डर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। इसीलिए कहीं पे भी छात्राओं के साथ छेड़खानी हो जा रही है, लड़कियों का मोलेस्टेशन हो रहा है, मुसलमानों को घेर कर मार दिया जा रहा है, दलितों की हत्या कर दी जा रही है, तो पूरे देश का माहौल इस समय बहुत खतरनाक है, और हम एक बेहद अलोकतांत्रिक माहौल में जी रहे हैं।